हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है आप सबकी ज़िंदगी में। फिलहाल तो ना मैं अपनी पार्किंग में हूँ और ये खड़ी है वरना और वो खड़ी है बुलेट। और टाइटल से ना आपको ऐसे पता चल गया होगा आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल तो ना मैं अंदर ही चलता हूँ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डीपीएफ प्रॉब्लम, जो वरना में या फिर कोई भी डीजल कार मतलब कॉमनली आ जाती है। और ये ना क्वेरी भाई बहुत ही कॉमन थी, खासकर इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज थे। आपको ना नीचे आईडी भी दिख रही होगी, मतलब आपको जो भी क्वेरी वगैरह होती है किसी चीज से भी रिलेटेड आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा अगर कुछ मुझे लगा कि हाँ इस चीज के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। और डीपीएफ तो कैसी चीज है, मतलब कि ये वही बात है बीएसिक्स में आई है, मतलब पूरा मैं कवर करने वाला हूँ तो मतलब इतना मतलब पता नहीं होता है, तो मैं सोचा इसके ऊपर ही वीडियो बनाते हैं। और मेन मोटिव ना इस वीडियो का मेरा यही होगा यार कि मैं बिल्कुल ही सरल से सरल मतलब इजी लैंग्वेज में बताऊं, कोई भी टेक्निकल टर्म्स ना यूज करूं ताकि हम सबको ना इजीली समझ आ जाए। क्योंकि वही बात है ना, मेनली तो समझ आना चाहिए यार, टेक्निकल टर्म्स यूज करके थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अच्छी नॉलेज है वो, बट मैं आपको सरल भाषा में बता दूंगा ताकि यार मतलब इजीली सबको समझ आ जाए और कोई भी ना फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हम फेस ना करें। सो लेट स्टार्ट दी वीडियो और मैं आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा भाई, ठीक है। अब जैसे ना सामने मेरी बुलेट खड़ी है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही दिखाया, अब ये ना एक महीने से ना स्टार्ट नहीं हुई है भाई, ऐसी की ऐसी खड़ी है। एक बार मैं कपड़ा लेके ना बाहर चलता भी हूँ, आपको पता चल जाएगा कि कितनी गंदी भी है ये, इस बहाने से कपड़ा भी मर जाएगा भाई, देखते हैं। चलो अब ये देख लो कितनी गंदी पड़ी है, आपको आइडिया दिख गया होगा। पहले तो मैं इस पर कपड़ा मारता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ। और मेन चीज़ ये है कि इससे आप ये नोट करना है कि ये स्टार्ट क्या है, कितनी देर में होती है, होती भी है या नहीं होती है, ये भी देखना पड़ेगा। इसका चौक चुक ऑन करके ही होगी स्टार्ट, बट ऐसे जैसे में कोई दिक्कत नहीं आएगी जब ये स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आप ना वीडियो में बने रहना, ये सारी ना डॉट्स में बना रहा हूँ, ये एंड में कनेक्ट होंगी डॉट्स इसके साथ, मतलब BS6 इंजन के साथ। सो एक बार मैं इसे कपड़ा मारता हूँ और इसे स्टार्ट करके देखता हूँ क्या रिजल्ट रहता है। Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling end. देख लो भाई, एक महीने बाद स्टार्ट करी है मैंने और 5 मिनट में हो ही चुकी है। इधर से भले ही मैंने चौक ऑन किया था पहले, बट अब चौक ऑफ है। अभी थोड़ी देर ना ऐसे ही स्टार्ट रखता हूँ मैं कहा इस बहाने, मतलब वीडियो के बहाने स्टार्ट हो चुकी है, साफ भी कर दी है थोड़ी बहुत ही। अब 5 मिनट ये स्टार्ट रहती है, फिर हम चलते हैं कार में और बात करते हैं डीपीएफ की। और ना मैं वही कह रहा हूँ, डॉट्स ना आप कनेक्ट जरूर करना, एक महीने बाद स्टार्ट करी है, ये रोज होती है, मतलब आप समझ रहे हो ना। अभी बस अंदर चलते हैं कार के। यार जैसे आपने देखा कितनी जल्दी बाइक स्टार्ट हो चुकी है हमारी, मतलब कि 5 मिनट में, और महीने से चली नहीं थी, आपको मैंने उसकी कंडीशन भी दिखाई दी थी। बट ऐसा सेम केस अगर आप BS6 स्पेशली डीजल कार के साथ करेंगे कि भाई महीना नहीं चलाई है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है, और ये तो मैंने आपको एग्जांपल ही दिया था यार, अगर पेट्रोल कार होती वो भी हो जाती, तो बस इसे एक एग्जांपल के तौर पर ही लेना। तो बात करते हैं डीजल कार की स्पेसिफिकली BS6 में। तो अगर आप एक महीने तक इसे स्टार्ट ना करते ना, तो आपको वही डीपीएफ का इशू आता, इंजन लाइट वगैरह ऑन हो जाती है आपकी। अब ना सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं भाई डीपीएफ है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है। यार जो डीपीएफ की फुल फॉर्म है ना, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर। अब आपको पता ही है जैसे BS4 के बाद जो BS6 आया था, इसका जो मेन मोटिव था ना वो ये था कि भाई अब BS6 में आपको यही करना चाहिए, जो डीजल कार के जो कार्बन इमिशंस वगैरह होते हैं, मतलब कि हार्मफुल गैसेस वगैरह होती है ना, उनको कंट्रोल करना है, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। इस वजह से ना अब एग्जॉस्ट में ना ये डीपीएफ फिल्टर लगा दिया जाता है, जिसके कारण मतलब कि जो हार्मफुल गैसेस होती है ना उधर ही मतलब फिल्टर वगैरह होके आती हैं, और मतलब एनवायरमेंट को ना इन शॉर्ट इतना मतलब हार्म वगैरह नहीं करती हैं। जो मेन मोटिव होता है ना डीपीएफ फिल्टर्स का, वो ये होता है भाई, मैं आपको बिल्कुल ही सरल भाषा में बता रहा हूँ, जो भी मतलब हार्मफुल गैसेज होती है कार्बन वगैरह, मतलब ये उसे रोक लेता है, फिल्टर कर लेता है। फिल्टर अब इसमें मेंशन है, आप समझ ही होंगे। तो डीपीएफ इन शॉर्ट तो आपको समझ आ गया क्या होता है क्या नहीं, ठीक है जी। अब डीपीएफ की अगर लाइट वगैरह जल जाती है, इंजन लाइट वगैरह ऑन हो जाती है, जब वो क्लॉग हो जाता है मतलब ब्लॉकेज हो जाती है उसमें, मतलब कि वही बात है ना कि पार्टिकल्स वगैरह भी अब भाई फंस जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी कार की जो परफॉर्मेंस वगैरह होगी ना वो डाउन होगी, माइलेज वगैरह डाउन होगी, इंजन लाइट जल जाएगी। तो मैं आपको डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, ठीक है। अब ना इसके साथ साथ ना आपने एक और चीज नोट करी होगी भाई, कि भाई जब से डीपीएफ वाली बातचीत आती है ना, तो एडब्लू का भी नाम आता है कि भाई एडब्लू डलवाओ। एडब्लू का मतलब एक जैसे फॉर्च्यूनर में आपने देखा होगा, हैरियर वगैरह में देखा होगा, एक अलग से पेट्रोल के लीड के साइड में ही होता है ब्लू कलर का, कि उसमें वो डलवाना चाहिए एड ब्लू। तो भाई अब एड ब्लू क्या होता है, अब एड ब्लू की बात करें ना, एड ब्लू ना मेजरली यूरिया से बनता है, और जो एड ब्लू का मेन काम होता है ना वो यही होता है कि जो हार्मफुल
पार्टिकल्स वगैरह हार्मफुल गैसेस वगैरह ना उसे कंट्रोल करे, तभी भाई वो पीछे उधर की साइड डलता है। बट भाई इसमें भी एक और चीज है, जो एड ब्लू का जो होता है ना डालने वाला, वो जो 2000 सीसी कार्स होती है ना उसके अबव होती है, हैरियर होगी, जीप, कंपस, सफारी, फॉर्च्यूनर वगैरह, इन सब में वो होता है। अभी वरना है BS6 है, डीजल है, इसमें मैं आपको दिखा दूंगा उधर उतर के कि जो एड ब्लू डालने का है ना वो ऑप्शन ही नहीं है। अब आप कहोगे भाई कि फिर हम इसमें एड ब्लू वगैरह कैसे डालें, मतलब अगर आपके पास मतलब अंडर 2000 सीसी मतलब जैसे वरना होगी, सिटी होगी, मतलब डीजल कार में, तो ना एड ब्लू की टेंशन तो ना आपको लेनी नहीं है, मतलब आपने सोचना ही नहीं कि भाई मैं एड ब्लू डालूं क्या करूं क्या नहीं। मतलब जब आपकी कार सर्विस के लिए जाती है ना तब सर्विस वाले ना खुद देख लेंगे, मतलब आपको ये तो टेंशन लेनी नहीं है कि भाई हाँ एड ब्लू डालने ये करने वो करने। अब जो फॉर्च्यूनर हैरियर है उनका अलग से एड ब्लू वगैरह मिलता भी है, जब आप जिनके पास होगी उन्हें पता ही होगा, उनको मिला भी होगा एड ब्लू, तो अलग बात आ जाती है। अब मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि एड ब्लू वगैरह डलता कहाँ पे है। भाई फॉर्च्यूनर हैरियर वगैरह में ना इधर ही होता है भाई एड ब्लू का, जहाँ से मतलब एड ब्लू डलता है, जो वो ये डीमिनरलाइज वाटर और यूरिया का मिक्सचर होता है एड ब्लू, वो इधर से डलता है हमारा। ठीक है, फिलहाल तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। और एड ब्लू का मैंने आपको यूज भी बता दिया भाई, जो हार्मफुल गैसेज होते हैं नाइट्रोजन वगैरह उसको ना रिड्यूस करता है, मतलब वो ये ना कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली। BS6 के जो मेन नॉर्म्स थे ना वो यही थे कि भाई जो डीजल कार है ना वो इतने हार्मफुल गैसेज वगैरह प्रोवाइड करती है इन्वायरमेंट में, तो वो मतलब थोड़ी कम हो जाए, इसलिए भाई आपका वो DPF फिल्टर लगता है। अब जो दिक्कत आती है ना भाई, बहुत बार ना आपने ये चीज सुनी होगी भाई DPF फिल्टर ना हमारा क्लो हो चुका है, इधर लाइट्स वगैरह जल जाती है, इंजन लाइट भी जल जाती है। अब ये क्यों होता है, जैसे मान लो कि मेरी कार ना हफ्ते भर खड़ी रही है तो ये दिक्कत आएगी आएगी। अब जो कंपनी वाले सोल्यूशन बताते हैं ना, वो सोल्यूशन ये होता है कि आप अपनी हाईवे पे ना 2000 RPM से ऊपर चला लो कार को, 60-70 की स्पीड पे चला लो, 80 की स्पीड पे, मतलब जितनी भी स्पीड है, मतलब कि 70-80 में बोलूंगा मैं तो, देखो स्पेसिफिकली, और 2000 RPM से ऊपर चला लो 15-20 मिनट के लिए, तो DPF की जो लाइट्स वगैरह हैं वो आपकी गायब हो जाती है, इंजन लाइट्स वगैरह आपकी बंद हो जाती है। अब ना ये आप खुद ही सोचना कि हम जैसे 2000 RPM पे चलाएंगे कार, मतलब उससे ऊपर भी चलाएंगे, जो फिल्टर में भाई वो जमे हुए होंगे पार्टिकल्स वगैरह वो निकल जाएंगे ना, प्रेशर वगैरह आएगा, जो इंजन की जो गैस वगैरह बनती है उन सब चीजों से ना वो निकल जाते हैं, तो लाइट वगैरह भी मतलब कि आपका इशू रिजोल्व हो जाता है इन शॉर्ट। बट भाई फिर भी कहीं कहीं केसेस में होता है कि भाई इशू रिजोल्व वगैरह नहीं होता है और इंजन लाइट वो बनी रहती है, तो ऑब्वियसली बात है यार आपको कंपनी में जाना पड़ेगा। अब कंपनी वाले वो सॉल्व करेंगे क्या सीन रहता है क्या नहीं, अगर आपका ज्यादा क्लॉगिंग हो रखी है तो वो DPF फिल्टर क्लीन वगैरह करते हैं। और लॉन्ग टर्म में कभी कभी ये भी दिक्कत आ जाती है कि DPF फिल्टर ही चेंज हो, बट वो नौबत ना आए तो अच्छी बात है, क्योंकि जो खर्चा मांगते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा खर्चा मांगते हैं भाई। डीजल ना मोस्ट डेंस हाइड्रोकार्बन फ्यूल होता है यार, और इसी कारण ना मतलब कि गवर्नमेंट ने नॉर्म्स वगैरह लाए थे BS6 में कि भाई DPF फिल्टर लाओ, जो ये जो हार्मफुल मटेरियल्स वगैरह होते हैं मतलब कि एटमॉस्फेयर में हमारे ना जाएं, और इसी के कारण वो ये है कि हार्मफुल मटेरियल अब कहीं ना कहीं फिल्टर में तो क्लॉग इन होएंगे। और ये बच्चा बाहर क्या कर रहा है बतानी, दिखाऊं मैं आपको बच्चा, देखना क्या देख रहा है, चलो कोई बात नहीं, देखते रहने देते, ऐसे इतना थोड़ा ऑकवर्ड सी हो जाती है सिचुएशन, तो इस कारण ना वो फिल्टर में भी ना लॉग हो जाते हैं। यार मैं इधर से चलता हूँ, अब कुछ बोल भी नहीं सकते ना बच्चों को, तो मैं यही बता रहा था मतलब कि अब आपको मतलब ओवरऑल सिनेरियो तो समझ आ ही गया होगा और आपने डॉट्स भी कनेक्ट कर ली होंगी, जो मैंने आपको बताया था कि एक महीने से स्टार्ट नहीं हुई थी, मतलब कि वही बात है कि अगर आप इसे भी एक महीने स्टार्ट नहीं करोगे ना तो ये दिक्कत आएगी मतलब डीजल कार में, तो यही प्रेफरेबल होता है यार। अगर आपकी मतलब सिटी ड्राइव भी ज्यादा, तो वंस इन वाइल आप हाईवे पे चल जाओ 2000 RPM से, थोड़ा रेव प्रूफ कर लो, मतलब आपका इंजन मतलब कि जो आपका DPF फिल्टर वगैरह होता है खुल खुल जाए, मतलब कि उसमें क्लॉगिंग वगैरह ना होए। और अगर मैं अपनी कार की बात करूं ना, मेरी कार में ऐसे टचवुड ये दिक्कत कभी नहीं आई है, क्योंकि मेरी ना रोज रनिंग होती ही है, चाहे मैं 30 किलोमीटर चल रहा हूँ चाहे 20 किलोमीटर चल रहा हूँ, मतलब कि मेरी अच्छी खासी रनिंग होती ही है। और हमारे यहाँ इधर सोसाइटी के बाहर हाईवे ही है, 2000 से ऊपर RPM वगैरह भी चल जाती है, मतलब कि रोज रनिंग होती है ना, तो ऐसे ये दिक्कत नहीं आती है। एड ब्लू भी मैंने आपको बताई दिया कि भाई कहाँ पे काम होता है कहाँ पे नहीं। अब इधर ना फिर से ऑकवर्ड करने आ गए बच्चे, मैं इधर से चलता ही हूँ भाई, पता नहीं क्या ही दिक्कत है। इसी कारण ये भी कहते हैं भाई अगर रनिंग ज्यादा नहीं है ना तो पेट्रोल कार ही लो, मतलब कि अगर आपकी यार हफ्ते हफ्ते खड़ी है ना तो ये बहुत ही रेगुलर प्रॉब्लम होगी आपके लिए DPF वाली, जो लॉन्ग टर्म में यार अच्छी नहीं होती है, बंदा परेशान हो जाएगा, मतलब इसलिए ही कहते हैं कि भाई अगर रनिंग नहीं है तो पेट्रोल ही लो। और मैं भी यही सोचता हूँ, अगर रनिंग वगैरह नहीं है, रोज कार नहीं चलती तो पेट्रोल कार लो, डीजल का तो कुछ फायदा नहीं है। मतलब यही छोटी छोटी बातें ना बड़ी बड़ी दिक्कत क्रिएट करते, तो वही बात है ना, फिर मजा नहीं है कार का, कार में इतनी दिक्कत वगैरह आ रही है। और BS6 में तो भाई अलग ही सीन हो रखा है, मतलब कि हर कंपनी को ना नॉर्म्स मैच करने बहुत ही मुश्किल है, जैसे इसको 1.6 थी 1.5 किया गया है, और इंडेवर तो चलो अब चली गया 3.2 से 2.0 हो चुकी है, मतलब बहुत नॉर्म्स वगैरह मैच करना मुश्किल ही होता है यार BS6 में। तो आई होप यार आपको ना सब कुछ समझ आ तो गया हो कि DPF क्या होता है, एड ब्लू क्या होता है, एक दिक्कत अगर आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। वही बात है कि जो सबसे बेस्ट वे है वो तो यही है, हाईवे पे जाओ, और कंपनी वाले भी यही सजेस्ट करते हैं यार, और तो कोई वे
मुझे नहीं लगता है 2000 RPM से ऊपर थोड़ी देर कार चलाओ, 15-20 मिनट सब कुछ मतलब सही हो जाएगा। आपकी DPF की जो दिक्कत होती है, जो क्लॉगिंग वगैरह हो जाती है फिल्टर में, सोल्यूशन ये है। और प्रॉब्लम भी आपको पता है क्यों होती है क्यों नहीं होती, वो भी मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो इस वीडियो को ना मैं फिलहाल तो फाइनली यहीं पे कंक्लूड करता हूं। अगर आपके और कोई भी डाउट्स हैं और आप लोग कुछ भी अपना ऐड भी करना चाहते हैं जो मैंने कवर नहीं करा, क्योंकि वही बात है भाई, नॉलेज का कोई एंड नहीं है, आप लोगों को मेरे से ज्यादा पता होगा, तो यस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे को भी मिले। एंड मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।